रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 मार्च के करेंट अफेयर पे। और देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम 12 करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी। और इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देखें, इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है, तो देखिए इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। और अगला था कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत का नया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुभाष चंद्र गर्ग। और अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक के रूप में टैग किया गया, तो देखिए ये राज्य आपका है केरल राज्य। और अगला था कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक संयुक्त समुद्री निरीक्षण प्रणाली यानी कि मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो देखिए ये देश आपका है फ्रांस। और देखिए अगला था कि वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो देखिए ये पुरस्कार दिया जाएगा प्रियंका दुबे को। और इनके बारे में मैंने परसों के वीडियो में डिटेल बताई थी, तो परसों का वीडियो देखकर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो देखिए फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद सतीय, और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है रामी अल हमदल्ला का। और देखिए एक खास बात यह कि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं इनका नाम है महमूद अब्बास, तो इन्होंने बियाली में मोहम्मद सतीह को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है। ये खास बातें आपको याद रखनी है, आपको इस चीज़ को सरल शब्दों में बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहाली में मोहम्मद सतीह को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास के द्वारा, और इन्होंने इस पद पर रामी अल हमदल्ला का स्थान लिया है। और देखिए फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी चर्चा में रहता है और एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए फिलिस्तीन जो आपका स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है, और फिलिस्तीन की कैपिटल है रामल्ला, लेकिन ये ईस्ट जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है जो कि इस समय इसराइल के कब्जे में है। इसलिए अपना कामकाज कहाँ से करता है, ये अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि अपना प्रशासन जो है ये रामल्ला से चलाता है। और देखिए एक और प्लेस है जो आपका गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप पे भी फिलिस्तीन अपना दावा करता है। देखिए एक्चुअली ये पहले फिलिस्तीन का ही पार्ट था, लेकिन बाद में फिलिस्तीन वालों ने इसराइल पर अटैक किया, तो इसराइल वालों ने धीरे धीरे इनकी सारी ज़मीन छीन ली है। तो अभी आपको मैप में दिखाऊंगा इस चीज़ को। देखिए अभी आपको क्या रखना है कि फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला, और फिलिस्तीन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, और फिलिस्तीन की टोटल पॉपुलेशन है 48.2 लाख, और फिलिस्तीन जो आपका एक एशियन कंट्री है, ठीक है, यानी कि एशिया महाद्वीप का देश है। और देखिए थोड़ा सा मैप में आते हैं। देखिए 1946 में इस फिलिस्तीन की स्थिति कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, ये जो ग्रीनिश पार्ट है आपका फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है आकार कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि जब भी फिलिस्तीनी इसराइल वालों पर अटैक करते हैं तो इसराइली जो है इनको मार भगाते हैं और साथ ही इनकी ज़मीन भी कब्जा कर लेते हैं। तो अब जो स्थिति कुछ इस प्रकार से आ गई है, जो आपका ग्रीनिश पार्ट है बचा कुचा ये आपका जो है फिलिस्तीन है, बाकी ये आपका जो वाइट पार्ट दिख रहा है ये आपका इसराइल है। तो अब ये एक्चुअल मैप आपका है इसराइल का, और बचा कुचा पार्ट यहाँ पे फिलिस्तीन है। और देखिए यहाँ पे आपको गाजा स्ट्रिप दिख रहा है और साथ ही यहाँ पे जेरूसलम दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों विवादित प्लेसेज हैं फिलिस्तीन और इसराइल के, तो इसको आप याद रखिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। और देखिए अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के विधि और कानूनी मामलों के मंत्री हैं PC शर्मा, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और देखिए अभी हाल ही में इसके लिए एक अध्यादेश लाया गया था जिस पर जो है अभी हाल ही में जिसको मंजूरी दे दी है जो आपकी मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने। तो अब जो है जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पर OBC आरक्षण कोटा जो है ये 14% से बढ़कर 27% हो गया, इसको आपको याद रखना है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति की जो आरक्षण का कोटा है ये आपका 16% है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपका आरक्षण का कोटा ये 20% है वर्तमान में। तो 27% यहाँ पे OBC का आरक्षण हो गया,
और यहाँ पे जो एससी है, ठीक है, इनका आरक्षण हो गया 16%, और जो एसटी है इनका आरक्षण का कोटा हो गया 20%, और देखिए अब तो सामान्य वर्ग को भी आरक्षण मिल गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इनका कोटा हो गया 10%। तो इन सबको आप जोड़ लेंगे तो आपको 70% से ऊपर जो है आंकड़ा मिल जाएगा, यानी कि 70% से ऊपर जो है आरक्षण का कोटा पहुंच गया है मध्य प्रदेश में। तो ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में बता दूं आपको, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। और देखिए मध्य प्रदेश जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड इंडिया के मैप में, और इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ लगती हैं। तो ये खास बातें आप याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने निम्नलिखित में से किस देश में ओर्का व्हेल की प्रजाति का पता लगाया है जो कि दुर्लभ किलर व्हेल की नई प्रजाति हो सकती है। तो देखिए ये देश आपका है चिली। और देखिए खास बात है कि इसके अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी इसका जो है डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, तो डीएनए टेस्ट के बाद जो है पता चल जाएगा कि ये किस प्रजाति का है। तो आपको फिर से बता दूं कि बिहारी में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने चिली में एक ओर्का व्हेल प्रजाति का पता लगाया है जो कि दुर्लभ किलर व्हेल की एक नई प्रजाति हो सकती है। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। और देखिए चिली के बारे में बता दूं आपको, देखिए चिली जो है इसकी कैपिटल है सैंटियागो, और चिली की करेंसी है चिलियन पेसो। और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो देखिए जो आपका सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक है, इसका विमोचन अभी हाल ही में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। और देखिए इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सबका साथ सबका विकास नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन किया गया है। और पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दीनदयाल हस्तकला संकुल में जो है इसका आयोजन किया गया। और देखिए इसका आयोजन जो है आपका 8 मार्च को किया गया था, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के दीनदयाल हस्तकला संकुल में किया गया था। और देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो हैं इसकी संख्या 80 है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 404, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसको नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। तो ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश के बारे में। और देखिए चीज़ और उत्तर प्रदेश जो है ये टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है। और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत जापान अंतरिक्ष संवाद यानी कि इंडिया जापान स्पेस डायलॉग आयोजित किया गया। तो देखिए जो भारत जापान अंतरिक्ष संवाद है इसका भी हाल ही में आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और देखिए ये पहला भारत जापान अंतरिक्ष संवाद था, ये आपके आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए इस पहले भारत जापान अंतरिक्ष संवाद की क्या खास बात रही, देखिए यहाँ पर भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में इंडिया जापान स्पेस डायलॉग यानी कि भारत जापान अंतरिक्ष संवाद का जो पहला संवाद था, ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और देखिए थोड़ा सा हम जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बारे में जान लेते हैं। देखिए जाक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और देखिए जाक्सा की स्थापना जो है ये 1 अक्टूबर 2003 में की गई थी, और वर्तमान में जाक्सा के एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं नाओकी ओकुमुरा, और जाक्सा जो है इसका मुख्यालय आपका है चोफू टोक्यो जापान में। तो ये खास चीज़ जाक्सा के बारे में आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। और देखिए एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जाक्सा जो है ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, और जाक्सा का पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 10 मार्च। तो फिर से बता दूँ कि अभी हाल ही में 10 मार्च को CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। और CISF के बारे में बता देता हूँ आपको डिटेल में। देखिए CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और देखिए मैंने इसमें 2011 में जॉब भी किया है।
और ये जो आपका CISF है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और ये CISF जो है इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और CISF की पेरेंट एजेंसी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। देखिए आप CAPF का एग्ज़ाम भी देते होंगे और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते होंगे तो उसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलता होगा CRPF में, CAPF में, दिल्ली पुलिस में। तो इसकी जो पेरेंट एजेंसी आपकी है CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। और देखिए जो आपका ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF है, इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। तो ये सभी चीज़ें देखिए CAPF का एग्ज़ाम देंगे आप तो उस समय पूछी जाती है, तो उसको आप याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 11 मार्च। तो फिर से बताता हूँ सरल शब्दों में, दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है 11 मार्च 2019 को। और देखिए जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई थी और इसका मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वर्तमान में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर हैं रामफल पंवार, और इसका मुख्यालय यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और देखिए इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत का गृह मंत्रालय। और नवा प्रश्न है कि अभिनेता से नेता बने कमल हसन की मक्कल नीति मयम पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो देखिए इनको चुनाव चिन्ह दिया गया है बैटरी टार्च। देखिए इनकी जब पार्टी का निर्माण हुआ था, जब इन्होंने अपने पार्टी की स्थापना की थी तो उस पार्टी का नाम एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसलिए इनके चुनाव चिन्ह का नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कमल हसन की पार्टी का नाम है मक्कल नीति मयम यानी कि MNM, ठीक है। तो मक्कल नीति मयम जो है कमल हसन की पार्टी है और लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग है इसने बैटरी टार्च जो है इनको चुनाव चिन्ह दिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपये के लागत से बनने वाली सूरत मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 12,000 करोड़ रुपये। तो फिर से बता दूँ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से की लागत से बनने वाली सूरत मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। और इस मेट्रो रेल परियोजना की क्या खास बात है, देखिए इस परियोजना के तहत कुल 40 किलोमीटर से अधिक दो मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और देखिए इस परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। और देखिए 11वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर आयोजित एक समारोह में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी कि ICAP जारी किया। तो देखिए इसको अभी हाल ही में इन्होंने नई दिल्ली में जारी किया है। तो फिर से बता दूं आपको सरल शब्दों में, ध्यान सुनिएगा। देखिए हाल ही में भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया है। और इसकी क्या खास बातें हैं, देखिए जो आपका इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है इसका उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक लाभों को हासिल करने के लिए कार्यों में तालमेल का प्रयास करना है। और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का उद्देश्य अगले 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकताओं से जुड़ी मांग तथा ऊर्जा आवश्यकताओं का आकलन करना है। तो आप इंडिया कूलिंग एक्शन के प्लान के बारे में जो है ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में TV सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो देखिए भारत सरकार का ये मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। तो फिर से बता दूं सरल शब्दों में, देखिए हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में TV सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। और देखिए ये पुरस्कार जो है बर्लिन में पर्यटन सचिव योगेंद्र त्रिपाठी के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि 5 में से कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, देखिए निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है, इनका नाम बताइए। कल मैंने इनके बारे में बहुत ही डिटेल बताया, तो कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे, तो कितने चरणों में कराए जाएंगे ये भी बताना है आपको, और कितनी सीटों पे चुनाव कराया जाएगा ये भी आपको बताना है। कल मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस लोक गायिका को महाराणा मेवाड़ सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनका नाम बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में 10 मार्च को इथोपियन एयरलाइंस का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है, इसका उत्तर बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी करंट अफेयर, और देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन अपने अभी पूछे हैं इनको जो है आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप स्टूडियो ग्रुप और फेसबुक पेज लाइक करना चाहते हैं तो इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप ये सभी काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।